भाइयों को नमस्कार। आज हम जो है आपको पंपोज प्रतापगढ़ी जी का घर दिखाते हैं। हमारे साथ हमारे दीपक भाई हैं। ये पंपोज प्रतापगढ़ी जी का घर है। काफ़ी दिन से लोग बोल रहे थे कि आप भैया पंपोज का घर दिखाइए। जो है पंपोज भाई, हाँ? आपका घर है ना ये? हाँ। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये जो रोड है, यहाँ पर नल लगा हुआ है, यहाँ पे चौकी भी बनवानी है, ये तो मान लो हो जाएगा। और ये पंपोज प्रतापगढ़ी जी का घर है। ये पंपोज के मामा जी हैं, ये अम्मा हैं। जो है ये लोग कोहिया महुआ का जो फल होता है। दिनेश भैया, कल तो गेट लग गया ना ना? हाँ। कैसा लगा था तुम्हें गेट तो लग गया, कैसा लगा था? सही है। आवे वाले समय में दिनेश भैया जानता है, एक पूरा पलस्तर करावा जाए, बहुत जल्दी करावा जाए। सब लोग मदद करी तो घर जो है पलस्तर हो गई। कोई युवा अपने कैंप भी नहीं रहा दिनेश? अपने कैंप भी नहीं। कैंप का अपने कैंप का पंपोज? हाँ। कोई युवा तुम भी नहीं जाते? हाँ, भी नहीं जाए। ये पंपोज के मामा जी हैं, ये पंपोज की नानी जी हैं। अम्मा प्रणाम। गुरु प्रणाम करता है, गुरु प्रणाम करता है, गुरु प्रणाम करता है। के गुरु का करता है? प्रणाम करता है। अम्मा पलागी पलागी। अरे भैया रे, अरे भगवान रे। अरे ठीक है अम्मा, ठीक है। कौन भगवान तुम्हारे सबके जिंदगी दे, हे प्रभु नाथ परमान दे। पंपोज प्रतापगढ़ी जी के घर है। ये पंपोज के छोटे भाई हैं, छोटू नाम है इनका। यही घर का जो है खाना उना बनाते हैं। यहाँ पे इस घर में भी दरवाजा नहीं लगा हुआ है, आप देख लीजिए कितनी हालत जो है नाजुक है। ये पंपोज का घर है और एक कमरे में दरवाजा जो है लगा है। यहीं पे जो है खाना उना बनाते हैं ये लोग। ये घर है जो है, एक कमरा है, आप लोग देख लीजिए पंपोज प्रतापगढ़ी जी का। यहीं पे इनके घर में कोई खाना बनाने वाला भी नहीं है। इनके पिताजी एक छोटी सी नौकरी करते हैं, वो जो कि छोटू हैं, पंपोज के छोटू भाई हैं। छोटू भैया आपकी उम्र कितनी है? 12 साल। 12 साल। ये पंपोज है, ये पंपोज की अपनी छोटी सी फैमिली है। दिनेश है जो कि जीव को भले यहाँ भले मरत न। अरे कुछ न हो, मरा जाते जियरा। अबे 20 साल जीबू अम्मा, 20 साल जीबू। अबे बहुत जल्दी अब बैठो। ये कल हम लोग जो है पंपोज प्रतापगढ़ी जी के लिए एक नया गेट लगवाए जो है। अभी इसमें कुछ काम बाकी है, कल मिस्त्री इसको जाम करके गए थे, आज शाम को आएंगे, अंदर से भी जाम कर देंगे। और यही पंपोज का घर है। आज है पंपोज, पंपोज आपका घर यही है? आपका यही है। दरवाजा तो लग गया, बहुत अच्छा लग रहा। दरवाजा लग गया गुरु भैया, बहुत बढ़िया लग। दरवाजा लग गया? हाँ सही, तो दरवाजा काम में दरवाजा। अब तक मौत हो गया है, अम्मा तो है मौत हो गया। अबे मारबू ना, अबे हम सब जी आओ, पंपोज को दुल्हन देखबू तब मारबू। अम्मा हो ए अम्मा, देखा गेट लगवा दी ना? दिनेश कहते गेट, कहते गेट लगवा दे। गेट लगवा दे सही है, गेट लगवा दे सही है। बेटो नया की देखा कार्य सुनते ही अवर देखे का बैसी भाग पगलाई कर देखे ना का आप लोग खुद देख लीजिए। पंपोज भाई की फैमिली जो है सब कितने बेबस है बेचारे। ये आप लोगों के, आप लोगों ने जो छोटा छोटा सहयोग दिया है उसी की वजह से आज इनके घर में जो जरूरत की चीजें हैं सभी पूरा, और गेट लग गया है। ऊपर भी थोड़ा मसाला भरना है, मिस्त्री कल आए थे जो है, काफी रात हो गई थी तो पूरा काम हो नहीं पाया। आज आएंगे मिस्त्री तो पूरा काम इसका करवा दिए जाएंगे। ये छोटा सा भाई है पंपोज का, लगभग 12 साल का है। यही घर का पूरा खाना पीना सब बनाता है। इस कमरे में भी गेट नहीं लगा हुआ है,
और यदि आप लोग धीरे धीरे ऐसे सहयोग करते रहेंगे तो पंपोज भाई के घर का हालात एकदम सुधर जाएगा। आप लोगों के द्वारा ये पंखा खटिया और ना जाने बहुत सारी जरूरत की चीजें जो हैं दिलवाई जाती हैं। दिनेश ना होए तू मरबू ना तू जीबू। अरे बहुत भैया मार 20 साल छोटुआ ढक गट करता है। चला जा दम्मा सब देख लीजिए। अरे बहुत भैया का बताइए सब बढ़िया हो ये टेंशन ना ले। आप लोगों का अगर सहयोग रहा तो पंपोज भाई का घर जो है पंपोज भाई का घर जो है प्लास्टर हो जाएगा। ये कमरा है अभी हम आपको ये कमरा दिखाते एक कमरा ये दो कमरा जिसमें खाना बनता है ये तीन कमरा टोटल तीन कमरा है। इस कमरे में दरवाजा भी नहीं है। इस कमरे में दरवाजा लग गया है। धीरे धीरे ऐसे सब लोगों का सहयोग रहेगा तो इस घर को पूरा प्लास्टर करा दिया जाएगा क्योंकि इसमें घर में छेद बहुत ज्यादा है चारों तरफ छेद है ऐसे प्लास्टर बहुत दयनीय स्थिति है। अंदर तो थोड़ा दयनीय स्थिति है लेकिन दीपक भाई गेट अभी खुलेगा नहीं ना क्योंकि जाम करके गए हैं। जो अभी खुलेगा तो खराब हो जाएगा। पंपोज भाई कल आपका गेट लग गया आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छा है। एक तो आप पूरा घर प्लास्टर करा दीजिए। तारीख का खोले का गुरु भैया आज शाम के मिस्त्री यही काम माँ सब का जेलिए सुख सब। दिनेश भैया कहते गेट लग के बाद होना है एक बाद तो घरों धेरा एक आध महीना में जो ना इसे धीरे धीरे पैसा इकट्ठा कर तो घरों प्लस्तर करा दीजिए ठीक है ताकि तो का सब कर रहा है बिना दिक्कत ना हो। अम्मक लेकिन सेवा करत जाओ। अम्मक कंपोज अम्मक सेवा ना करते ना करी इनका एक दिन तो मोटा लाखी आए रहे कहा कि हम एक गोली दवाई दे दे मर गए का कहीं दवाई हम कह रहे जीबू 3 साल अम्मक लगे हुआ मालबू ना तू जीबू 3 साल बैठा बैठा अम्मक लगे अम्मक लगी आओ करा खियावा करा कुछ अम्मक समोसा करा पंपोज तो सब भगवान जिंदगी देख कर आवा राखा दे दे हमारे साथ रंग जुट जब भाई हे भगवान हमार भाई जरा सुखी रहे। अम्मा रोवा ना करा करा यही बिना आवे के मन ना का जब आवे तो हम सब रोवे संतोष के बियाह अम्मा हम सब करउबे का करी जाओ। देख लीजिए आप लोग खुद जो है जीविकोपार्जन के लिए ये लोग कोई मिल रहे हैं पंपोस करा देंगे अम्मा। घर में वायरिंग भी हो गई है जैसे ऊपर से वायरिंग करा दिया गया हर कमरे में जो है बोर्ड लगवा दिया गया है पंखा ये पंखा सब और सब कमरे में लाइट वगैरह सब लग गई है जो है। अरे संतोष का बियाह संतोष बोला तू अरे भाई मार रहा चुप रहा अम्मा पंपोज अम्मक चुप कर चुप हो गया अम्मा जो हो जाए हो जाए भगवान इनका सबका जिंदगी दी है तू हमारा आशीर्वाद दी है बस आशीर्वाद दे रहा है अम्मा बहुत सब कुछ हो गया है तू अबे जीबू 3-4 साल 20 साल और का अम्मा मारे थोड़ी दे हम और का पंपोज मारे नहीं पंपोज लेकिन अम्मा यार गोड़ हाथ नींद देवा करा संजा का आवा करा सबेरे उबेरे। सभी भाइयों से निवेदन है कि अगर आप लोग ऐसे थोड़ा थोड़ा सहयोग बनाएंगे तो पंपोज भाई का घर जो है प्लास्टर हो जाएगा। ये मामा एक दिन चाय बनवा और आप खुद ही देख लीजिए कैसा क्या है जो है आप देख लीजिए पंपोज का खाना बन रहा है। छोटू का बनवा था भैया दाल और दुई कुकर में का रखे ये दुई भगोल में का रखे अच्छा स्टेबलाइजर भी लगवा दिया गया था ताकि लाइट यहाँ पर जो है काफी धीमी रहती है तो स्टेबलाइजर से जो है लाइट एकदम फुल रहती है पंखा उनका सब चल जाता है। देख लीजिए घर में कितने ज्यादा छेद हैं। जब ये प्लास्टर जब प्लास्टर हो जाएगा तो ये जो मतलब आप लोग खुद ही देख लीजिए घर का हालत क्या है ये जब प्लास्टर हो जाएगा तो एकदम अच्छा हो जाएगा। सही अम्मक ध्यान देवा थोड़ा अम्मक तो सुबह ध्यान देवा करा पंपोज भाई तो आज सबके जिंदगी बन पंपोज पापा कहाँ गए तोरे दुकानी छोटू पापा कहाँ गए दुकानी चला गए बहुत छोटू जो गेटवा लगा पाना शाम की मिस्त्री यही एक पीछे पीछे पूरा मसाला भर देंगे एकदम जाम हो गई ठीक है आगे थोड़ा फिनिशिंग कर देंगे और छोटू भाई यो गेट जल्दी लगवा दीजिए ओकरे बाद जो है पूरा का प्लास्टर करा दे बस एक महीना का अंदर हटावा का ओइ मार चैला उइला घुसे रे ओइ मार चैला उइला घुसे रे यहां हो बिलक दिनेश कैसे लागत है दरवाजा लग गया साफ है ना
ठीक ठाक दरवाजा ठीक है अब ये सब कुछ रख सके नहीं तो मैं रखत रहा देखत रहा कुत्ता उत्ता चला जाता रहा गेट उठ ना लग रहा ऐसे ही हो रहा जैसे ही खा लिया है जो ना है पर्दा लगा दे ना लगा दे कौन लगा आप लोग देख लीजिए अभी तक बहुत मांगे उठ रही थी कि पंपोस का आप लोग घर दिखा दीजिए। तीन कमरा बना हुआ है जो कि तीनों प्लास्टर कराना बहुत जरूरी है बहुत इसमें तो गेट लग गया है जो है बाकी और सब लाइट वगैरह चल रही फैन वगैरह सब चल रहा है। तो दिनेश भैया चला ठीक है हम सुबह चलते ही अम्मा जाई जाई जाता ही जाता ही घरे जाता भाई ये हाँ अम्मा ए बहुत भाई अरे का कर अरे अखिया जब देखा ही का जितना छटपटाए का जवाब से आठ जागर पर रुको भैया हर के चाहिए पिया अरे नहीं अम्मा तो हाँ प्रेम बना रहा है चाय रहा है अरे ठीक है आशीर्वाद बना रहा है एक तो आ घर और सब प्लास्टर करा दे गेट उठ या देखा सब लग गबाट है ठीक है धीरे धीरे सब होइए अम्मा ठीक है दिनेश भैया भगवान जगह देखिए चला अम्मा पंपोस के ब्याह कराऊब है पंपोस के ब्याह कराऊब है ब्याह अरे बेटा ब्याह कराऊब कहा था कि भगवान तोहर सब जिंदगी दे भगवान परवार दे पंपोस तोहर सदियों कराऊब ठीक है सदिया पहले गेट लग के बाद वहाँ घर प्लस्तर होइए ओकरे बाद वहाँ शादी करा देंगे काम मा का कहती है अरे तू मरबू ना हमारी तीन बीस साल जीबू जीएम चाहे जो जीएम भाई का पंपोस कर रखा जाए टेंशन मत ले पंपोस के डायरेक्ट मर जाए क्या कर ये रहा पंपोस भाई का घर आप सभी ने देख लिया जो है पंपोस भाई पंपोस भाई हम सुबह चलते ही बहुत जने कहा था नहीं हमारा साइकिल है दली बाबा दली बाबा तो हाँ साइकिल है चलते है ठीक है रो अनम्मा है वह पदार्थो आएगी ने यार गुरु पंपोस भाई यूट्यूब चैनल का नाम एक बार विकास शुक्ला गुरु दली बाबा सबसे ज्यादा पदारथ जी हैं पदारथ हैं बहुत वीडियो वायरल हुआ था पदारथ ही पंपोस की शादी नहीं होने दे रहे हैं राम पदारथ जो है धन्यवाद भेड़ खोचर थे धन्यवाद पदारथ मामा जी ठीक है यही था पंपोस भाई का घर आप लोग देख लीजिए बहुत बहुत धन्यवाद पंपोस भाई बंद करिए चल रहे फिर हम छोटू चलते हैं चला मग कहीं ख्याल रख लोगों ने देखा पंपोस भाई का घर हमारे साथ पदारथ वर्मा जी हैं पदारथ जी का वीडियो बहुत वायरल होता है पंपोस बोले थे पदारथ मेरी शादी नहीं होने दे रहे हैं आप लोग देख लीजिए पंपोस भाई का घर मैंने वीडियो में अभी दिखाया सभी भाइयों से निवेदन है कि आप लोग ऐसे अगर सहयोग करते रहेंगे तो पंपोस भाई का घर भी जो है अच्छे से प्लास्टर हो जाएगा और सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी पंपोस भाई एक बार धन्यवाद दे दीजिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद शुभकामनाएं अपन सुखी बना रहे सुखी सभी भाइयों से निवेदन है कि ऐसे आप लोगों का सहयोग बना रहे धन्यवाद धन्यवाद ऐसे सहयोग बना रहे बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद पदारथ भैया जो हो रहा है अच्छा हो रहा है आपकी नजर में हाँ ना हाँ इनका चाहिए पदारथ भाई रो दिया यार पदारथ रो आना यार पदारथ भाई जो कि दिल के बहुत अच्छे आदमी है हमेशा पंपोस का सहयोग करते रहते हैं पदारथ जी लेकिन ठीक है सारी जरूरतें इनकी पूरी होगी ठीक पदारथ भैया चलिए हम सुबह ठीक पंपोस भाई ठीक है पदारथ भाई जो है काफी जो है भावुक हो गए जो है ये सब देख कर जो इतनी मदद की जा रही है अब इन बच्चों के पास कोई है नहीं पदारथ भाई काफी भावुक हो गए तो पदारथ भाई दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं चलिए पदारथ भाई हम लोग चल रहे हैं फिर मुलाकात होगी ठीक है ठीक पदारथ भाई रोवा हुआ